हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग ट्रिपल के कशिश की कहानियाँ। फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो स्पेशली मेरी सिस्टर जो है, जो पुणे में रहती है, वो मैं उसको मोना डार्लिंग बोलती हूँ। तो मोना डार्लिंग, दिस इज़ फॉर यू। हमेशा इसकी शिकायत रहती है कि मुझे मेथी दाना वाली मिर्ची या मुझे मिर्ची की रेसिपीज़ बता, ये वो। फ़ोन लगाकर भी मुझसे ऑल द वे पूछती है कि प्लीज़ मुझे मिर्ची की रेसिपी बता, और बनाती कभी भी नहीं है। बिलीव मी फ्रेंड्स, कभी नहीं बनाती है। तो आज जो है मैं वीडियो उसके लिए पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं, हाँ मोनिका, मैं मेथी दाने वाली तो नहीं बना रही हूँ आज, क्योंकि मैंने भिगोया नहीं था। बट मैं एक मस्त सी मिर्ची की रेसिपी तुझे बता रही हूँ और सबके साथ, व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर रही हूँ। सो चलिए देखते हैं मैं वो कैसे बनाती हूँ, और इस बार बनाना कि मोना डार्लिंग। तो रेसिपीज में जो अपन को चीज़ चाहिए रहेगी वो है हरी मिर्ची, और हरी मिर्ची को मैंने जो है वो कूट लिया है। आप चाहें तो इसे हैंड चॉपर में भी कर सकते हैं, चाहे तो इसे बारीक काट भी सकते हैं, बट इस तरह से कूटना या हैंड चॉपर में करने से ये ज़्यादा टेस्टी बनेगी। लहसुन को मैंने जो है वो ऐसे छोटा छोटा बारीक बारीक नहीं काटा है, थोड़ा बड़ा बड़ा ही काटा है। और दही हमें चाहिए रहेगी, थोड़ा सा ज़ीरा, और फ्रेंड्स मसाले जो अचार के होते हैं वो मैंने अलग से नहीं लिए, मैंने गांधी मसाला यूज़ किया है रेडीमेड, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो आप चाहें तो घर के मसाले डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है गांधी मसाला यूज़ किया, और मैं ये ऐड करूँगी इसमें। मिर्ची जो है वो जब भी आपको चमकनी हो तो वो सरसों के तेल में ही बेस्ट लगती है, और अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप है ना इसमें ऑयल डाल सकते हैं, बट प्लीज़ घी का यूज़ बिल्कुल मत करना। तो इसके लिए सबसे पहले जो है मैंने फ्रेंड्स सरसों का तेल जो है गरम कर लिया है। सरसों का तेल गरम होने के बाद जो है मैं इसमें लहसुन कटी हुई डाल दूँगी, और फ्रेंड्स लहसुन को आपको बहुत अच्छे से बर्न करना है, लाइक इसे कच्चा कच्चा नहीं रखना है। लहसुन जो है अच्छे से पक गई है, अब मैं इसमें एक टीस्पून जीरा डाल दूंगी, और उसके बाद मैं इसमें मिर्ची जो हमने कूटी थी वो डाल दूंगी। मिर्ची को हमको ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ये गल जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी टेस्ट में। तो थोड़ा हल्का सा सॉटे करने के बाद हम जो है इसमें ये गांधी मसाला जो है मैं इसमें डाल दूंगी। एक बात मैं आपको बताना भूल गई, हमको इसमें आखा धनिया जो है, जो आखा कोरिएंडर होता है, उसको भी हमको दरदरा कूट के या फिर पीस कर, लेकिन हमें उसको बिल्कुल स्मूथ नहीं पीसना है, थोड़ा सा कोर्स ही रखना है। ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। उसके बाद है ना इसको थोड़ा सा सॉटे करने के बाद मैं इसमें एक कप दही डाल दूँगी, और उसको भी अच्छे से मिक्स करूँगी। देखो फ्रेंड्स, ये दही जो है वो पूरी हमको सुखा देनी है, इसका पानी हम नहीं रहना चाहिए इसमें। पूरी सुखा देने के बाद लास्ट में मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करने के बाद मैं इसे इस तरीके से मिक्स कर दूँगी। फ्रेंड्स, गांधी मसाला अगर आप यूज़ कर रहे हैं या कोई भी अचार मसाला यूज़ कर रहे हो, तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना कि आपको नमक या तो नहीं डालना है या बिल्कुल पिंच डालना है। और इसके बाद मैं इसमें हल्का सा लेमन जो है स्क्वीज़ कर दूंगी, एंड या हमारी मिर्ची रेडी है। मोना डार्लिंग, मिर्ची जो है वो रेडी है, और ये तेरे लिए है, स्पेशली फॉर यू। और इसको ज़रूर बनाना, और कोई बहाना मत करना, ट्राई ज़रूर करना रेसिपी। एंड फ्रेंड्स, आपको भी अगर ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय, थैंक यू।